थोड़ा गैप, कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन आप?
तो जब आप नक्सलवादियों के कब्जे में थे तो किस तरह के मन में विचार चल रहे थे, क्या लग रहा था कि आपको इतनी जल्दी घर वापसी आपकी हो पाएगी? राकेश जी, भारत माता की जय। भारत माता की जय। किस तरह से पूरा देश आपके साथ था, देश ने दुआएं मांगी आपकी सकुशल वापसी के लिए, देशवासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जय माता दी। पूरे देश का धन्यवाद ही करूंगा क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया मीडिया का। और जब आप उनके कब्जे में थे तो आपको लग रहा था कि इतनी जल्दी वापसी हो पाएगी, क्या कुछ मन में आपके चल रहा था? थोड़ा मुंह पीछे। आप साथ रहिए, साथ रहिए। अच्छा मैं एक मिनट रुको। केशवर सिंह क्यों नहीं आवाज आ रही? मैं केशवर का चाचा, ठीक है। मैं इनके बिहाफ में सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। इसके बाद मैं जो स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो जम्मू जे एंड के की हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वहाँ के CM का भूपेश बघेल का शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ का जो एक्स CM था रमन जी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने भी एक बयान दिया था कि वो जो हमारा कमांडो नक्सली के कब्जे में आ रखा है वो सब कुछ वापस आना चाहिए, क्योंकि ये तो इंटरनल बात है। युद्ध के समय भी कोई बंदी बन जाता है तो उसको भी साफ कुशल वो भी छोड़ देते हैं और उसकी लाने की जिम्मेवारी भी रहती है। दूसरा, जो हमारे जेड के सरकार के LG का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने भी बोला कि हम उस तौर के छुड़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो इसका डिपार्टमेंट है ना, जिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है, उनके भी लगातार एफर्ट्स रहे इनको मतलब छुड़ाने के लिए। जो इसमें बीच में मीडिएटर थे है ना, श्री धर्मपाल पदम श्री है, या दूसरे बरिया हैं, एक जो समाज सेविक तीन है, उनमें पत्रकारों का जो उसमें 3-7 पत्रकार डिटेल हुए थे इनको लाने के लिए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ मैं जो जहाँ का लोकल मीडिया है, ठीक है, मैं भी फकर से कहता हूँ कि उनका भी बहुत योगदान रहा इनको छुड़ाने के लिए। और साथ साथ जो नेशनल न्यूज चैनल था या नेशनल मीडिया था, उनका भी, खासकर जो वहाँ का मीडिया था, आप किसी ने सुने या नहीं सुने, मैं इस इवेंट्स के साथ डे वन से टच था क्योंकि मेरा ये भतीजा नहीं, मैं इसका फादर ही हूँ, क्योंकि इसका फादर ऑलरेडी CRP में सर्विस करते हुए एक्सपायर हो चुके थे। तो उसी दिन से मैं इनको एज ए बेटा, ये मेरे को एज ए गार्डियन, मैं साथ रहा हूँ इनके साथ। और जिस दिन से ये दुर्घटना घटी थी, मैं लगातार टच था, तो मेरे को भी एक एक मिनट में समाचार मिलता था अभी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इसके साथ साथ है ना, गवर्नमेंट का जो कहीं किसी भी गवर्नमेंट का जो रोल था, वो मतलब जो हमारी नॉलेज में तो नहीं आ सकता था, लेकिन इनके लगातार एफर्ट्स रहा, ठीक है। हमारा कमांडो हमारे परिवार के बीच में सकुशल वापस आ गया है, इसके लिए मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और विशेष तौर पर भगवान के हम लोगों पर नियामत हुई है कि अपने परिवार के बीच में सही सलामत आ गया है, इतना ही कहना चाहता हूँ। सर, जिस तरह जब इस तरह की बात आते होते हैं, कितनी टेंशन रहती है, क्योंकि आपके बटालियन का ही व्यक्ति था, कितना परेशानी के समय किस तरह की सोच चल रही थी, किस तरह से निकाला जाए? इस समय में अभी मैं बहुत ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ और कि वो अपने परिवार के बीच में सही सलामत आ गया, ये हम सबके लिए खुशी का क्षण है। ये उसका हमारा कमांडो अपने परिवार के बीच में ठीक तरीके से आ गया है, इसके लिए मैं सभी लोगों का शुक्रिया और शुक्रगुजार, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू।